गुरुग्राम में बिल्डर और डीएचबीवीएन के बीच आफत बना विवाद सरकार के दखल से सुलझ गया है। ऐसे में अब लोग 24 घंटे रोशनी में रहेंगे। तो वहीं लोगों ने सरकार का भी धन्यवाद किया। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता जवाहर यादव की दखलंदाजी के बाद बिल्डर और डीएचबीवीएन के बीच सहमति बनी और बिल्डर द्वारा बकाया राशि भी जमा करवा दी गई है, जिसके बाद आज से गुरुग्राम में विपुल वर्ग में स्मार्ट मीटर डीएचबीवीएन ने लगाए और वहीं लोगों के चेहरों पर भी ये रोशनी की खुशी साफ दिखाई दी। अब जहां पूरी सोसाइटी जगमग होगी तो बिजली विभाग का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता जवाहर यादव ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी की जीत आदमपुर में सुनिश्चित है। बीजेपी इतिहास बनाने वाली पार्टी है और अब जीत के साथ बीजेपी इतिहास आदमपुर में बनाने जा रही है। देखिए, विपुल वर्ल्ड में बिल्डर ने जो पैसे विभाग को देने थे उन्होंने नहीं दिए थे, जिसके कारण यहाँ के निवासी बड़े परेशान थे। अब जो यहाँ के RW है, यहाँ के स्थानीय निवासी है, जयवीर जी हैं और जो हमारे अन्य साथी है, इनके दबाव से बिल्डर पर एक दबाव पड़ा और हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर उनको समझाया कि ये पैसा आपको ही जमा कराना है और बिल्डर ने उस दबाव को मानते हुए पैसा जमा करा दिया है, जिससे इनका 2 साल का संघर्ष पूर्ण हो गया है और आज से मीटर लगने शुरू हो गए। अभी आपने देखा कि 1 मीटर को अभी विभाग के लोगों ने लगाया है। तो इस खुशी के अवसर पर हम इनके साथ थे कि इनका ये काम शुरू हो गया, इनकी मेहनत रंग लाई। कितने मीटर जो है आज लगाए जाएंगे? आज देखिए, आज तो शुरुआत है, शायद आज 3 मीटर लगेंगे। अब तो ये रूटीन का है, क्योंकि पहले ये बंद थे, अब बंद वाली प्रक्रिया खत्म हो गई। अब तो इनकी डिमांड और मीटर की उपलब्धता इनके हिसाब से मीटर लगते रहेंगे, परंतु जो रुकावट थी वो खत्म होगी, आज से मीटर लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये वो सीट है जो भजन लाल जी की सीट है, जहाँ भजन लाल जी का परिवार आज तक कभी नहीं हारा है। आज उनके पोते भव्य बिश्नोई, जिनके पिताजी कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, जिनकी माताजी भी रेणुका बिश्नोई भी यहाँ से रह चुकी है, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऑलरेडी सरकार है, तो वो सरकार बनाने के लिए आदमपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सरकार में अपनी भागीदारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके कारण उनकी जीत सुनिश्चित है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2005 में भजन लाल जी के नाम पे जनादेश मिला कांग्रेस को, और जैसे ही जनादेश आया भजन लाल जी को साइडलाइन कर दिया। तो आदमपुर की जनता उस अपमान का बदला लेने के लिए भी आतुर है हुड्डा जी से। देखिए, हम इतिहास बनाने वाले लोग हैं। 2014 से पहले जो मेरे मीडिया के मित्र थे, जब हम कहते थे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो वो उपहास की नज़र से देखते थे। तो आपकी ये धारणा भी बदल देंगे कि 1966 के बाद हम नहीं जीते, परंतु 2019 का उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, आपके पास कोई भी भ्रष्टाचार का अगर तथ्य है वो दीजिए, कमिश्नर मुकेश आहूजा जी उस पर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि गुरुग्राम में बिल्डर और डीएचबीवीएन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो स्थानीय लोगों के लिए आफत बना हुआ था। ऐसे में लोग बिना बिजली मीटर के गुजर बसर कर रहे थे। विवाद के सुलझने के बाद अब लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। सत्य खबर के लिए गुरुग्राम से अनुज पंचाल की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।